हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं दोस्तों, कि जो कि स्टेयर के बारे में, आप जो बिल्डिंग बनाने से पहले ये सोचा जाता है कि हमारा कितनी जगह में कैसे जीना चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा। तो दोस्तों जो ये आपका जो मैं ये बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन रहता है हर किसी का, मैंने देखा है कि मैसेज आते हैं कि कितनी जगह में हमारे जो सीढ़ी है वो कैसे चढ़ सकती है। दोस्तों सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, जैसे कि अब आपने ये अपना होम बना लिया है तो दोस्तों अब इसके अंदर ये रह जाती है दोस्तों सीढ़ी की बात। अब जैसे कि हमारी दोस्तों हाइट कितनी है, सबसे पहले महत्वपूर्ण ये रहता है। अब जैसे हमारी ये हाइट हो गई है, ठीक है दोस्तों, फिर इसके मुताबिक हमें स्टेयर नापने पड़ते हैं। ये देखिए, जैसे कि हमारी यहां से लेके यहां तक हमारी 10 फीट की हाइट है, फिर इसके मुताबिक हमने देखा जाता है कि हम जो हमारे राइजर होते हैं वो कितने इंची के लेने हैं दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले हमें अपनी हाइट नापनी है, ये वाली। जीना चढ़ाने से पहले आप ये चीज बिल्कुल ध्यान रखें कि अगर आप जो हमारा लेंटर लेवल होता है उससे पहले अपना जीने का एक्यूरेट निशान लगवा लें। मेरी कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने निशान लगा के भी बताया था कि किस तरीके से निशान लगाते हैं। और दूसरी बात यह है कि निशान लगाने के बाद ये पता रहना चाहिए कि कितनी हाइट है और कितना राइजर लेना है और कितने स्टेप ट्रेड लेने हैं। दोस्तों सबसे पहली बात मैं अब आपको बताने चाहता हूं दोस्तों, जो हमारा ये राइजर रहता है ये कितने इंची का होना चाहिए। तो दोस्तों मिनिमम कम से नहीं तो कम आप 6 इंची का इसको रख सकते हो, और भी कम रख सकते हो जैसे आपके पास ज्यादा जगह हो। तो अगर आपके पास जगह कम है तो आप इसको 8 इंची का भी कर सकते हो, 6 इंची का भी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात हमारी ये रहती है कि अब हम एक्यूरेट पता कैसे लगाएं कि हमारे कितने स्टेप आ रहे हैं और हमें जगह कितनी चाहिए। तो वेलकम है दोस्तों आपको हमारा चैनल के अंदर। दोस्तों आज हम आपको सिखाएंगे, पूरी एक्यूरेट जानकारी देंगे स्टेयर की। तो सबसे पहले अब हमने नाप लिया है दोस्तों, 10 फीट हाइट है हमारी। आप कितने भी कर सकते हो, 10 कर सकते हो, 11 कर सकते हो, 12 कर सकते हो, जितनी आपकी हाइट होगी उसी के मुताबिक आपका राइजर ये सीधा चढ़ जाएगा जीना हमारा। तो दोस्तों सबसे पहले अब हमें क्या कर लेना है, 10 फीट हमारी हाइट है। अब दोस्तों 10 फीट हमारी हाइट हो गई, तो हम इसको कैसे कैलकुलेशन लगाएं जो कि हमें पता लग जाए कि इतने स्टेप के अंदर हमारा जीना चढ़ जाएगा। दोस्तों सबसे पहली बात हमारी ये होगी कि 1 फीट के अंदर कितने इंचीज होते हैं। दोस्तों 1 फीट के अंदर आप कभी भी ये फॉर्मूला है, 1 फीट के अंदर हमारे 12 इंच होते हैं दोस्तों। तो 12 को दोस्तों अगर आप 10 से गुना करोगे तो 120 इंच आ जाएगा दोस्तों। ये सबसे बड़ी फॉर्मूला है दोस्तों, इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि अब हमारे जो इंचीज आ गए हैं दोस्तों, ये 120 इंच की हमारी यहां से लेके यहां तक हाइट है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, इसकी कैसे कैलकुलेशन निकाले अब मैं बताता हूं दोस्तों। सबसे पहले हमें क्या करना है, अब जो हमारा राइजर है, अब जो पता लग गया है हमारी हाइट कितनी है, ठीक है दोस्तों, 120 इंच है। अब हमारे 120 इंच के, तो ये देखिए दोस्तों हमने अब निकाल लिया है हमारा 120 इंच, 10 फुट की हाइट में हमारा 120 इंच आ गया है। अब हमें इसको क्या करना है जो कि हमारा कैलकुलेशन पूरी निकल के आ जाए। तो अब हमें क्या लेना है दोस्तों, जो हमारा राइजर है दोस्तों, अब इसकी इसको देख लेना है हम कितने इंची पे रखेंगे। जैसे कि अब मैंने 6 इंची रख लिया दोस्तों, अब मेरे को इससे 6 से भाग देना है, तो मैं 6 से भाग दूंगा दोस्तों तो हमारा ये 20 आ जाएगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों अभी हमारे क्या हो गए दोस्तों, अभी हमारे 20 राइजर हो गए दोस्तों, जो हमारे खड़े स्टेप हैं। अब हमें पूरी कैलकुलेशन हमारी निकल के चली गई है, ये देखो ये भी आ गया है, ये भी आ गया है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है दोस्तों कि कितने इंची पे निशान लगाया जाए, जो कि ये वाली हाइट भी अब हमें पता लग जाए कितनी दूरी तक जाएगी, तो हमारा इसी से पता लग जाएगा। अब जो हमारा ट्रेड है, जो हमारा भी ये ट्रेड है दोस्तों, ये देखिए ये ट्रेड कितने इंची का है दोस्तों, 10 इंची का हमने ट्रेड ले लिया है। मिनिमम आपको भी 10 इंची का लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना है दोस्तों, ठीक है। 10 इंची का लेने के बाद अब जैसे आपने ले लिया तो हमारा ये 20 हो गया दोस्तों। अब 20 को 10 से गुना करोगे तो आपको आ जाएंगे 200 इंच, ठीक है दोस्तों। अब यहां से लेके जो हमें यहां से लेके ये जगह चाहिए 20 पैड़ी में,
ये हमें चाहिए 200 इंच, 200 इंच दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारी 120 इंच हो चुकी है। तो अब ये जीना आपका एकदम सिंपल है दोस्तों। पहले सबसे पहले हमें इसकी हाइट नाप लेनी है। हाइट नापने के बाद दोस्तों इसको इंचज में कनेक्ट कर लेना है। इंचज में कनेक्ट करने के बाद दोस्तों फिर हमारा जो राइजर होता है दोस्तों इससे भाग दे देना है जितना आप राइजर रखना चाहते हो। ठीक है, राइजर का आपने जैसे अब अनुमान लगा लिया 6 इंची का, 8 इंची का जैसे रखोगे, अब यह है जैसे कि अब आपने 8 इंची का रख लिया। ठीक है दोस्तों, 6 कम कर दिया आपने, 8 कर लिया, तो 8 को देख लो दो, 8 दाम 80 और 6 4, तो दोस्तों ये हमारी 14 पैडी चढ़ जाएंगे इसके अंदर, 8 5 40 15 पैडी चढ़ेंगे दोस्तों। अभी हमारी दोस्तों 15 पैडी इसके ऊपर चढ़ेंगी अगर हम 8 इंची से लेंगे तो। अगर हम 8 इंची से लेंगे तो ये भी हमारी जो, अगर आपके पास जगह कम है दोस्तों तो ये भी आपकी कम हो जाएगी, ये हो जाएगी दोस्तों 150 इंच। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करें दोस्तों।